अच्छा ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर आपकी बुक के अंदर 100 होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ने लगे हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो प्रोटोजोन की बहुत सारी टाइप्स हैं। पहले नंबर पे आपके पास आ रहा है आपकी बुक के अंदर ए लिख के ब्रैकेट में लिखा होगा अमीबा। अब ये जो अमीबा है ना, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो अमीबा, ठीक है, ये फ्रेश लिविंग है, फ्रेश वाटर लिविंग है। फ्रेश वाटर लिविंग से क्या मतलब है कि फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। और उसके अलावा इसे फ्री लिविंग बोलते हैं, यानी किसी चट्टान के साथ ये अटैच नहीं रहेगा बल्कि ये मूव कर सकता है। उसके बाद देखें कि ये मरीन भी है, यानी समंदर के पानी के अंदर भी रहता है। उसके बाद देखें आपके पास जो सॉयल है, ठीक है, सॉयल के ऊपर भी ये रहता है। और उसके अलावा ये पैरासाइट ऑफ एनिमल्स, यानी बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट काम कर सकता है। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हुए वहाँ से खुराक हासिल करेंगे और उसे नुकसान भी पहुँचाएंगे उस बॉडी को, ठीक है। तो ये जो अमीबा, ठीक है, ये क्या है? पैरासाइट भी होता है एनिमल्स के लिए। और इसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक लंबी सी एक्सटेंशन सी होती है, किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर और अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी हो सकती है। ये फ्लैजिला क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने में हेल्प करता है, लेकिन अमीबा के ऊपर फ्लैजिला नहीं है। उसके बाद देखें, आपने याद रखना है कि फिर कैसे मूव करेगा, कि जब हमने क्या कह दिया कि जो अमीबा, ठीक है, ये फ्री लिविंग है, तो फ्री लिविंग से क्या मराद कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा, इसके अंदर मोटिलिटी है या मोबिलिटी है। तो अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ना, तो ये सूडोपोडिया के जरिए मूव कर रहा है। किसके जरिए मूव कर रहा है? सूडोपोडिया के जरिए मूव कर रहा है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट, यानी ये अपने फॉल्स फीट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो सूडोपोडिया क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, ये दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको नज़र आ रही है। ये जो है ना, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन सी हैं ये वाली, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? सूडोपोडिया। ये भी सूडोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया। इनके जरिए जो है ना ये अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आगे आपके पास आ जाता है कि ह्यूमन के लिए भी ये एज अ पैरासाइट काम करता है। जब अगर ये आपके पास अमीबा, इसकी एक स्पीशी है एंटमीबा हिस्टोलिका, अमीबा की एक स्पीशी है एंटमीबा हिस्टोलिका, अगर आप इंटेस्टाइन के अंदर चले जाए तो ये जाके क्या काज करेगा? डायसेंट्री काज करेगा। ये क्या होती है? स्वेल डायरिया को डायसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर अगर चला जाए इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये क्या काज करता है? डायसेंट्री काज करता है, जो कि स्वेल डायरिया है। आगे आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाता है ज़ूओफ्लैजेलेट्स। अब देखें, जैसे कि इनके नाम के साथ आ रहा है कि ज़ूओ का क्या मतलब एनिमल और फ्लैजेलेट फ्लैजिला से निकला है, इसका ये मतलब कि ये वाले जो एनिमल्स हैं या ये वाले जो अमीबाज हैं, ठीक है, ये अपने ऊपर क्या पोजेस करेंगे, क्या रखेंगे? फ्लैजिला रखेंगे, यानी इनके अंदर फ्लैजिला होता है। तो मोस्टली ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ जो हैं होते तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल होती है, बिल्कुल गोल। इनकी बॉडी कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, बिल्कुल गोल होगी, या ओवल होती है, जिस तरह अंडे की शेप होती है। उसके बाद देखें कि इनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो कि इनके सेल के अंदर बिल्कुल दरमियान में पाया जाएगा। फिर देखें कि ये जो दो फ्लैजिलेट्स है ना, ठीक है, इनके अंदर एक फ्लैजिला भी हो सकता है, एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं। और ये जो फ्लैजिला, ये कहाँ पर मौजूद है? ये बॉडी की इंटीरियर साइड पर मौजूद है, यानी बॉडी की सामने वाली साइड पर मौजूद होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। अब और क्या बता रहे हैं कि जो फ्लैजिला, ठीक है, ये इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो फ्लैजिला की मूवमेंट है इनके अंदर, वो विप लाइक होती है। विप लाइक ऐसी मूवमेंट होती है, ठीक है। विप लाइक कैसी मूवमेंट होगी? ऐसी मूवमेंट जो होती है, ठीक है, वीवीसी, उसे हम क्या बोलते हैं? विप लाइक मूवमेंट। अब आगे बता रहा है कि इनकी इंजेक्शन क्या है, भला किसकी? ज़ूओफ्लैजेलेट्स की। ज़ूओफ्लैजेलेट्स क्या इंजेक्ट करते हैं, क्या निकलते हैं, क्या खाते हैं? तो पहले नंबर पर यह कि ये लिविंग या डेड एंड डिकिंग मैटर जो है, ठीक है, उसे खाते रहते हैं। उसके अलावा ये क्या करेंगे? जो डेड एंड डिकिंग मैटर है, यानी गला सड़ा जो मादा है, उसके अंदर से एनर्जी को या न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते रहते हैं। फिर देखें कि इन्हें क्या बोला जाता है? फ्री लिविंग भी बोला जाता है, ठीक है। यानी आपके पास जो ज़ूओफ्लैजेलेट्स हैं, इन्हें फ्री लिविंग भी कहते हैं, सिम्बियोंट भी कहते हैं, और पैरासाइट भी कहते हैं। अगर ज़ूओफ्लैजेलेट्स जो है, ठीक है, वो फ्री लिविंग है, तो उसका ये मतलब कि ये किसी और बॉडी के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, यानी किसी और बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर ये सिम्बियोंट है, तो सिम्बियोंट का ये मतलब कि ये ज़ूओफ्लैजेलेट अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ एज अ रिलेशनशिप बना के रहेंगे।
अगर हम जू ऑफ एजिलेट को सिम्बियोट कहते हैं तो उसका ये मतलब है कि वो अदर ऑर्गन की बॉडी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बना के रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पैरासिटिक, अगर जू ऑफ एजिलेट पैरासिटिक हों तो पैरासिटिक से ये मुराद है कि पैरासिटिक से ये मुराद है कि ये अदर ऑर्गन की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हुए वहाँ से खुराक हासिल करेंगे और उसे नुकसान भी पहुँचाएंगे। तो यानी मूड ऑफ लिविंग इसका जू ऑफ एजिलेट का वो तीन तरह का है, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, उसके अलावा सिम्बियोंट। आगे आपके पास आता है यहाँ पे एक एग्जांपल है जू ऑफ एजिलेट की, वो कौन सी है, ट्राइगोनोफस। ट्राइगोनोफस जो है ना, ठीक है, ये कम्प्लेक्स जू ऑफ एजिलेट है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज फ्लैजिला होते हैं जो कि इन्हें मूव करने भी हेल्प करते हैं, और ये क्या करता है, एज अ सिम्बियोंट रहता है। यानी कहते हैं इसका जो मूड ऑफ लिविंग है वो क्या है, सिम्बियोंट है। तो कैसे, किसकी बॉडी के अंदर रहता है ये एज अ सिम्बियोंट, पोज कर लें कि ये मेरी जो फिंगर है ये क्या है, टर्माइट है। टर्माइट किसे बोलते हैं, दीमक। अब ये टर्माइट यानी दीमक जब लकड़ी खाती है ना तो ये लकड़ी को हजम नहीं कर सकती, तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, वो क्या है भला, एक ट्राइकोनोफस है। अब ट्राइकोनोफस क्या करेगा, इस टर्माइट ने जो वुड खाई है उसको इसके लिए क्या करता रहेगा, हजम करता रहेगा। अब देखेंगे टर्माइट को इस ट्राइकोनोफस से क्या फ़ायदा हो रहा है, वो ये फ़ायदा हो रहा है कि इस टर्माइट ने जो वुड खाई है ट्राइकोनोफस इसके लिए हजम कर रहा है उस वुड को, ठीक है। अब ट्राइकोनोफस को टर्माइट से क्या फ़ायदा होता है, ट्राइकोनोफस को टर्माइट से ये फ़ायदा होता है कि इसे रहने की जगह मिली हुई है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपसे लाजमी पूछूंगा, ये जो अभी एंड पे बताया है, ठीक है, ये आपने बताना है। अब आगे आपके पास आ जाता है पे नंबर 102, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स, कुछ जो जूओ फ्लैजिलेट्स होते हैं, कुछ जो जूओ फ्लैजिलेट हैं, ठीक है, वो एज अ सिम्बियोंट रहते हैं जिस तरह टर्माइट वाला केस, और कुछ जो जूओ फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, वो पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स भी होते हैं। यानी किसी ऑर्गन की बॉडी के ऊपर ही अंदर रहते हुए क्या करेंगे, इसे नुकसान पहुँचाएंगे और वहाँ से फूड भी हासिल करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पैरासिटिक फ्लैजिलेट है, ठीक है, वो है ट्राइपैनोसोमा। अब इससे पहले एक चीज़ याद रखें कि एक फ्लाई होती है, इसका नाम क्या, टीसीटीसी फ्लाई। जो टीसीटीसी फ्लाई है इसकी बॉडी के अंदर ट्राइपैनोसोमा रहता है। जब टीसीटीसी फ्लाई आपकी बॉडी को काटेगी तो ट्राइपैनोसोमा टीसीटीसी फ्लाई से निकल के आपकी बॉडी के अंदर आ गया। जब ट्राइपैनोसोमा आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा तो ये आपको स्लीपिंग सिकनेस काज करेगा और ड्राउजीनेस काज करेगा, यानी ग्रोदगी सी काज करता है, ठीक है। अब आगे आपके पास आते हैं कॉर्नोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब ये जो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स है ना, ठीक है, इनकी शेप ऐसी होती है, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये देखें, ये कॉर्नोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है। तो जो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, पहले तो ये याद रखना है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि ये सेसाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर पाते। फिर ये मरीन होते हैं, यानी समंदर के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेश वाटर भी होते हैं, यानी फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर भी रह सकते हैं। उसके बाद इसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ये हैं कि ये देखें, ये जो स्टाक है ना, ठीक है, ये पूरा मैंने क्या बनाया हुआ है, ये आपके पास बनाया हुआ है कॉर्नोफ्लैजिलेट। तो ये स्टाक है, ये रॉक है, यानी ये अपने स्टाक के जरिए किसी चट्टान के साथ क्या हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। फिर स्टाक के ऊपर क्या होता है, ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, ये वाली इसे क्या बोलते हैं, कॉलर, ठीक है। कॉलर से आगे जो प्रोजेक्शन निकल रही है इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। तो यानी तीन पार्ट हैं, स्टाक, यानी ये जो कॉर्नोफ्लैजिलेट है इसके थ्री पार्ट्स हैं, पहले नंबर पर फ्लैजिला, फिर कॉलर, फिर स्टाक। बस आप यहाँ तक कर लें, इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो वो आपने पूछ लिया नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने पॉइंट्स बताए हैं वैसे वैसे नोट करते जाया करें और आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। जिस तरह बोलता जाता हूँ ना, वैसे वैसे नोट कर लिया करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर वहीं से आपने याद करने और पेपर में लिखते हैं। अल्लाह हाफिज़।